मैं समझाना चाहना सा क्यों भाई खच्चर होंगे ने दुकानदार सियाने होंगे ये वेख लेंगे ने भी इस चीज ते औरत नूं पसंद है उन्हें क्या भी पहना ये महंगी चीज है बीबियां आंदियां नहीं जिहड़ी चीज दिल नूं सोहनी लगे वो ही लैके जानी पूरा पैसे मेरे को फड़ मैनूं चीज फड़ा दे मैं सवाल करना चाहना तवज्जो भी तवज्जो बच्चे इधर वेखो जो मुस्तफा करीम नूं दाइयां ने वेख्या ना ते कहना ते है ही सी उन्हें कहा मैं वारी जावा आ ही लैके जाना है इन्हां दाइयां ने कहा नबी को देख कर दाई शरूर से बोली हलीमा गोद में लेकर हजूर से बोली मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोना है। अच्छा भी बंदा की ना चाचा तो बड़ा बोलता पिया अज चाचा दे अलखां लाई आंदा चाचा ठंड पाई आंदा चाचे नूं अल्लाह उम्र च बरकत पाए हाँ जी ठंड पाती लव यू चाचा लव यू कसमे ठंड पाती मैं ताया सलूट मारना है ताए दा जज्बा जे अल्लाह दी कसमे ताए दी सूरत भी सोहनी जे ते मैनू सीरत भी सोहनी लगती है क्योंकि चेहरे ते नूर है हाँ अल्लाह दी कसमे हजूर वाली मोहब्बत विचो बोली है और ठंड पा दी सुबहला एवें नहीं बंदिया ने बोली इस बाबे ने उठ के क्यों बोली है ये अंदर वाली शम्मा जड़ी है ना मैं वेख्या रोशन है क्यों जिथे शम्मा का जिक्र हो परवाने का दिल ना बोले पर परवाने होन च शक हुंदा है अज शम्मा रसालत का जिक्र हो रहा है ना रसल सुन वाली दाइया ने वेखिया ते कहंदियां की नहीं अल्लाह जानदा कहंदियां ने बेटा मोबाइल छोड़ दे मैनू पता हुंदा वे कि अपने बाला नूं किवें संभालना वे ये मेरे चन्न ने हुण मेरा पुत्र ध्यान ना सुनी बड़ी वड्डी गल एने बैठे जे हजूर नूं वेख्या दाइयां नहीं ते बंदा ओहदे तो सदके जांदा है जिहनूं दिल देवे सारे कह रहे माशा जिन्हों इंसान दिल देवे उन्हों कहना मैं सदके जावा एदा मतलब है रब बंदा जान तो वद अजीज मनो जो बंदा दिल दे देंदा दिल तो वद जिस्म च कुछ भी नहीं एदा मतलब भी दिल दे नाल उन्हें कहा असी भी कह रहे तवज्जो भी बच्चे प्लीज इधर मेरे चन्न तवज्जो तुम कैमर च होंगे जे ना तो कैमरे च फिर वीडियो तो बड़ी भंडी होंगी है कसमे शेख साहब आ बड़ा स्यापा है स्टेज पर जो बंदे खड़े होंगे ना पिछे वो कैमरे च वीडियो बन रही होंगी फिर जो मर्जी करते होंगे लोग आते हैं भी अगे मौलवाज कर रहे पिछे अपना तमाशा कर सच्ची गल कर हाँ जी नहीं इधर नहीं है पिछलियां दी गल अपने लगे ने तो कैमरे इन्हां वर भी क्लोज कर लो कैमरे दोवें क्लोज करो ए पिछले कोई विच ना आ सिर्फ अंजम साहब तक कौन पिछले सारे लगे रहन जो मर्जी क्लोज करी कैमरा लै क्लोज हो लगे रहो रांझा राजी करो गल बड़ी वड्डी है ध्यान मेरे ते अज पाबंदी नहीं ते पुत्रों मैं तुहानूं मिंट च सीधा कर लवां गल बड़ी वड्डी ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे इन्ने बैठे जरा ध्यान ना सुनिया जे जिहड़े कमली वाले नूं वेख्या ते दिल दे दित्ता सदके जावां मियां साहब सुभान अल्लाह मैं सदके जावा मनशा साहब कैसा मंजर होएगा जदों कमली वाले नूं सलवी साहब वेख्या आएगा मेरा चन्न मीरान मैं सदके वन्या मुस्तफा दी शान मैं सदके जावा प्यार नाल मैनू जैद दसदा सी ये पुत्र ने दाड़ी रखी है ते मैं उन्हूं आंदिया किसे नूं खुश होके नहीं मिलिया जदों कमरे च आया उत्थे मैं इनू जनाबे वाला लव यू किया क्यों क्या है कि उहदे चेहरे तो मुस्तफा दी निशानी मिलती पई है कि पार्टी मुस्तफा वाली है पार्टी मुस्तफा वाली मैं फिर प्यार क्यों ना इन्ना ना करा जरा लफ सुनिया जे ध्यान ना जिले दाइया ने कमली वाले वेख्या मैं सदके वंजा अल्लाह जानता है बड़ी कीमती बात है समझाना चाहना है एक दिन जो लामा इंसान जहाज च जा रहे सन ते कदों जा रहे सन जो किला लक्ष्मण सिंह बेच मुस्तफा तो जानवर के जा रहे सन किथे सऊदी अरेबिया ते जहाज बेच यकीन हो गया होगा कि मैं हुण बचना कोई नहीं ते आंदे मालका मेरे कोल होर कुछ नहीं पर मैनू यकीन ही मैं तेरे नाल शिरक नहीं कीता
वो कैसा जुमला होएगा कि मालका मैं तेरे ना गद्दारी नहीं की। हर बंदा गुनाहगार। अल्लाह जानदा जरा लफ़्ज़ सुनिया जे ध्यान नाल, मैं सदके जावां कदर न पीता ओए की जानन पजड़े दुनिया धारे कमीने कदर नबी दा ओ जानन वाले ते सौंगे विच मदीने कदर नबी दा मौलम सी ते कबरां विच गयानू जड़े ताइयां ने वेख्या कमली वाले नू ते मां रोन लग पई ते आंदियां नी दाइयो खैरे आमना बच्चा जमया ते मावां रोंदियां नहीं ते तू इस बच्चे नू वेख के रोई है दाइयो तानू की दसा मैं रोई इस वास्ते कल जदों बच्चा जवान होएगा अपनी नन्नी जबान चो कहेगा अम्मा जी मेरा बाबा कित्थे आओ मैं अपने पुत्र नू की जवाब देवांगी मेरा मेरा लाड मुहम्मद वे मेरा प्यार मुहम्मद वे मेरा दिलदार मुहम्मद वे मेरा चन मुहम्मद वे मेरा मक्खन मुहम्मद वे मेरी मलाई मुहम्मद वे मेरा मान मुहम्मद वे मेरी मीद मुहम्मद वे मेरा चैन मुहम्मद वे मेरा करार मुहम्मद वे मेरा प्यार मुहम्मद वे मेरा लाड मुहम्मद वे मेरा जी मुहम्मद वे मेरी सोच मुहम्मद वे मेरा फख्र मुहम्मद वे मेरा प्यार मुहम्मद वे मेरी उम्मीद मुहम्मद वे मेरा बड़ा पैदा सहारा मुहम्मद वे मेरा लाड मुहम्मद। मां ने क्या कल जवान होएगा अपनी नन्नी जबान चो कहेगा अम्मा जी मेरा बाबा कित्थे आओ ओ शाला मरन न बाप किसे दे शाला मरन ना बाप किसे दे ते ना हुन यतीम न माने रोंदियां वेख के बुए टोंदे रोंदियां वेख शरीकां बुए टोए लेंदे जुमला बड़ा कीमती है रोंदियां वेख लोको शरीक बुए टो लेंदे बिन मावां बच्चियां कोलों कावी टुकड़े खो लेंदे रोंदियां वेख के बच्चियां नू शरीक बुए टो लेंदे बिन मावां दे लोको बच्चियां कोलों कावी टुकड़े खो लेंदे मां वर्गे कोई थां नहीं बनदी मां वर्गे कोई थां नहीं हुंदी उतलों मन विच पुत्र कह के सहवारी लोकी बोलन लफ़्ज़ बड़ा दर्द वाला जे समझे वेख के रोंदियां शरीक लोकां नू बुए लेंदे टो लेंदे बिन मावां दे बच्चियां कोलों कावी टुकड़े खो लेंदे मावां ना होण ते बच्चियां कोलों कावी टुकड़े खो के लै जांदे जे इन्ना लफ़्ज़ कहन लगा वे आमना जरा हौसला कर तू पुत्र बड़ा सोना जमया है नी मैं रोंदी इस वास्ते पई है जिन्हियां अखां रो रहियां ने नासर मदनी क्यों रो पिया है असी पंज भरा तीन भैणां पर एक दियां वी बाबे खुशियां नहीं वेखियां ते 23 साल हो गए ने मेरे बाबे नूं दुनिया तो गए ते अजे तक मेरा मकान मुकम्मल नहीं तुसी कहोगे खैर है 23 सालां च मकान नहीं बनया मिस्त्री लगे ही रहिंदे ने क्यों नहीं बनया क्यों नहीं मुकम्मल पुत्रो जिहड़े कम बाप करने आवण ओह पुत्रां नूं करन
ਤੁਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਪਾਪਾ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਪਾਪਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਸੇ ਜਲਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋ ਅਬਦਸਤਾ ਰੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਸਾ ਰੱਖਾ ਤਾ ਵਹਾਂ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਵੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਝੇ ਗੰਗ ਰੋਡ ਪੇ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕਰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਯੇ ਤੋ ਰੋਣਾ ਨਬੀਓ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਮਾਂ ਕਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਲਮ ਜਿਦ ਕਾ ਯਤੀਮ ਅਨਫਾਵਾਓ ਤੁਰੇ ਯਤੀਮ ਨਬੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਗੋਪੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੰਤੀ ਬੱਚਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਜੰਤੀ ਤੇ ਪੀਣੇ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਹੀ ਰੋ ਪਈ ਆਦਾ ਬਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਯੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਆਂਸੂ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ ਯੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਝਸੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੋ ਈਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਪਲਨਾ ਪੜਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਬਤਾਓ ਸਗਦਾ ਆਮਣਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਮਕਾਮੇ ਅਬਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਾਨਕਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਯਾਨੇ ਨਾਨਕਿਓ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀਰੋ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਨਾਣਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਨਨਾਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਚੜਨ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋ ਸਲੂਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋ ਸਿੰਧ ਮੇਂ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਹਾ ਅੰਕਲ ਯੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਹੈ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਫਟ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮੇ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਕੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੀਏ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ ਅੰਕਲ ਯੇ ਦੇਖੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਖੰਜੀਰ ਬਗਿਆੜ ਸੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਕੀਆ ਹੈ ਉਸ ASI ਨੇ ਜਬ ਯੇ ਲਫਜ਼ ਸੁਣਾ ਤੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੀਵੀ ਕੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਸੇ ਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਯੇ ਕਹਤਾ ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਣ ਵੀ ਲੈ ਕਰਾਓ ਕਰੋ ਇਸੇ ਬਾਤ ਇਸਕੋ ਪਕੜੇ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੇ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਆਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ IG ਸਿੰਧ IG ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ IG KPK ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਬਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰੋਂ ਕੋ ਏਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੇ ਸੀਧਾ ਕਸ਼ਮੋਰ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਲੇ ਕਰ ਕਹਤੇ ਬੇਟੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਯੇ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਅੰਕਲ ਯੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਹੁਆ ਵੀ ਰਾਤ ਮੁਸ਼ਤਰ ਕਾ ਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੇਂ ਔਰ ਸੈਨਟ ਕੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਲੋਕ ਜਮਾ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਂਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਮੇਂ ਲੁੱਟ ਜਾਏ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੌਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ
ईरान से कोई भूल हुई है, इनको सारे काम छोड़कर जहाज में बैठकर सिंध चले जाना चाहिए था और वहां से उस बेटी को उठाकर इस्लामाबाद लाते और टेलीविजन की स्क्रीन पे ऐसे दिखाते, ओ दरिंदो ये रियासत अभी जिंदा है, ये रियासत की बेटी है, हम इसका बदला लेकर दिखाएंगे। उस दरिंदे को तो मार दिया गया, मगर ये कानून कब बनेगा, कब कनम जी सरेआम इन दरिंदों को फांसी लगेगी। अल्लाह की कसम है, मैं अपनी बेटी को 2 घंटे अपनी झोली में लेकर रोता रहा, मैंने गले लगाया अपनी बेटी को, ऑनलाइन कैमरे लगवा लिए मैंने मोबाइल में, मेरी बेटी स्कूल जाए वापस आए मैं देखता हूँ, गनमैन को फोन करता हूँ भाई ध्यान से, मैं उधर फोन करता हूँ स्कूल में, यार मेरी बेटी को जरा दिखाना, यहाँ दरिंदे बहुत फैलते हैं, जंगल में दुनिया में दरिंदे आ गए, इनका तो काम जंगलों में, ये बघियाड़ बन गए। मौलाना बेटियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है, बेटियों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल हो चुका है, बल्कि मैं इन लोगों के आगे हाथ जोड़ूंगा, ओ मेरे बच्चों जब बेटी तुम्हारे घर आ जाए बहू बनकर, उसके माँ बाप को कभी मत सताना, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इनको दरिंदों से बचा कर तुम्हारी अमानते तुम्हारे घर पहुंचाई है, कभी मामा पापा को मत कहना अपनी बेटी को लेने आ जाओ, ये मर जाते हैं जब तुम फोन करते हो। ये बड़ी मुश्किल से पलती हैं, ये बड़े दर्द से पलती हैं, ये बेटियां पालनी बहुत मुश्किल हो गई इस मुआशरे में, ये बेटियां पालनी बहुत मुश्किल होगी। मेरे बेटो अपनी वाइफ के मसले में कभी ससुर को फोन मत करना, तुम तो शाम को सुलह कर लोगे, मगर जब सुबह फोन जाएगा कि आ तेरी बेटी ने ये किया, खानपुर लहर दी लगली ते टैक हो जाना। ये कुछ छोटा दर्द नहीं, ये शेखुपुरा लाहौर से 32 किलोमीटर होगा, मगर माँ बाप जब लाहौर से चलेंगे उनकी 32 सदियों का सफर बन जाएगा, और बार बार पूछेंगे अभी आया नहीं शहर मेरी बेटी, पता नहीं किस हाल में, तुम्हें क्या पता है मेरे बच्चों। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर देख ले इतनी बेटियां, ये आंखों में आंसू, ये लफ्ज बड़े कीमती हैं, जरा सुनिया जे ध्यान नाल, बड़ी कीमती बात है, वाह दुनिया दे आ सोनिया रब्बा एक ही खेड़ रचाई, किथे तियां जमदियां ने किथे वाग फड़ाई, जुग जुग जीवन सोनिया रब्बा मेरे वीर प्यारे, मासियां पुपियां ताइया छड़ के ढोली दे विच पै गईयां वे, बबल मेरियां गुड़ियां तेरे वल रह गईयां। मेरे नबी दी बहन जी मां है पेकियां तो जा रही है ससुराल वल, ते रस्ते दे अंदर मकामे बदर तो 30 किलोमीटर सैड ते मकामे बवाव, जंगल बेला है ते 200 मील दा सफर, मदीना ते 200 ही मक्का ते विचकार, नबियां दे सरदार दी मां जरा लफ सुनिया जे शेखुपुरी आओ, अज दर्द वाला वाज तेरे सामने रखना चाहना है, आओ अजीजा ने मन इंज करके आंदी नी मैं मन नेड़े आना गल सुनना जरा ध्यान दे नाल, इंज मेरे नबी करीम दी मां दी मैं मन जरा करीब आवी बाजू पकड़े आओ, नी मैं मन आमना जरा हौसला करनी मैं मन पता नहीं सा किन्ने रह गए, ते आ मेरे मुहम्मद दा बाजू पकड़ना जरा ध्यान नाल, आमना जरा हौसला करनी मैं मन बाप वाला प्यार देवी इनू मां वाला प्यार देवी, नी आवना जरा हौसला कर नी मैं मावा बाज हनेरे हुंदे ही मावा बाज हनेरे हुंदे ही मावा बाज हनेरे।
ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਈ ਨਿਯਾਮ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਬਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਸ਼ਰੀਕ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਮਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਆਮਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਉਮੈਮਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਲਾ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੀ ਨੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਸ਼ਰੀਕ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਾਂ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਲਾ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਲਾ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇਜੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿਆਵੇਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਅੱਜ ਅੰਮਾ ਵੀ ਠੁਰ ਚੱਲੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਣੇ ਲਾਇਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਂਟ ਰੱਖੇ ਆਉਣਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੱਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਕਾਮੇ ਅਬਵਾ ਰੇਤ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਈ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਈ ਜਿੱਥੇ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਓ ਪੁੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੈ ਓ ਪੁੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੀ ਵੇ ਇਸਰਾਈਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਮੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਂਗੀ ਤੇ ਅਰਬ ਵੇਖੇਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਚੰਨ ਜੰਜੇ ਛੜਿਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲਾਡ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਾ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਂਗੀ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਂਗੀ ਅਰਬ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੰਬੀ ਪਈ ਜੁਦਾਈ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੰਬੀ ਪਈ ਜੁਦਾਈ ਹੁਣ ਨੀ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈ ਫਿਰ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਆ ਵੇ
वे पुत्रा आखरी मुलाकात जले मां दी रूह परवाज कर गई मेरे सिर ओ मैं शेर पड़ा दर्द होरी ते जले विच परदेश नारल के जमया वीर भी कोई नहीं मां कदी सज्जे वेखे कदी खब्बे वेखे अमर आंदी क्यों वे वे पुत्रा मावा टुरन भरा नू हाथ फड़ा दे दियां ही भैन नू हाथ फड़ा दे दियां ही तेरे नारल के जमया वीर भी कोई नहीं भैन भी कोई नहीं वे मेरे अरबी चलो वे एक बार मां है मैं तेरिया करोड़ मना मेरे मदनी करीब दी मां जले गल लाया वे पुत्रा लोगों दियां फूफिया होन कोल ते मैं बाह फड़ा देवी मासी अवे ते पड़ाव परदेश विच कला है कमली वाले महबूब दी मां कलेजे ना लाया है नी मैं इनू कन्ना ला लग के रो ना देवी इनू मां याद ना आन देवी इनू मां जैसा प्यार देवी इनू बाप जैसा प्यार देवी कमली वाले महबूब दी मां दुलरे दुनिया तो जारी हजूर विच परदेश सह सजड़ संगत दे वेखी मां तो वद संगत की दी गुड़ी है सह सह जोड़ जड़ी नाड़ू ना रिश्ता जुड़ी आवे अज वेच परदेश बाबर सलबी साहब शेख साहब नाड़ू ना जुड़िया रिश्ता किवे टुटदाई मक्का में अबवा ते ले चला ओ सह सह जोड़ संगत दे वेखे ओ आखर भी था भैया जिन्ना बाजो चटनी सी लंघदा तवजो इमरान जिन्ना बाजो चटनी सी लंघदा ओ शकला याद न रहिया ओ टुर गए वीर मुहब्बत वाले ते लगे ने नाली हासे यार मदनी हुन दिल नहीं लगदा ते जाइए खेड़े पासे जरूरे मां दा हाथ छुटदा पियावे ते कमली वाले दा हाथ कला रह रहे बिरो एक हाथ बाप फड़ना सी ओ ते दुनिया ते आन तो पहला ही रिश्ता मुक गया अज आखरी सारा मां वाला ते हाथ छोड़ते पैने सब कहंदे ने मास नवा तो वख कदे ना होए अज जदों गल कपनी पाई हो के पर रोए की सोचिया सी की होया हुन के सुन दोष दया दस कितों लबांगे कितों लबांगे तेनु मां भरा कबर च लाने सुख हजूर ने मां कबर च किवें लाई आएगी ये ते हो ही जानते नहीं भरा कबर च लाने सुख भैन कबर च लाउनिया सौखिया पर जिन्ना हत्था ते लोहरिया ले आन उस मां नू कपन दियां तीन बंदा च बंद करके जो पुत्र कबर च उतार देने या पुत्र जानदा या रब जानदा निया साहब नू पुछिया जे इधर पुछिया जे शेख अब्दुल बासत गोपेरा साहब और जिन्ने बैठे ने भरा कबर च लाने सुख सफदर साहब जदो मुस्तफा ने मां लाई आएगी कबर च मैं लिख के देवा जरा सुन ध्यान वीरो रिश्ते लाने सौखे नहीं ते जिन्ना हत्था ते लोरिया ले आन उस मां नू कपन दिया तीन बंदा च बंद करके उत्ते स्लैपा रख के मुठ मिट्टी दी परक या पुत्र जानदा या रब जानदा अम्मा जिन्ने कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं मुठ परक जिन्हें कदी मिट्टी लगन ना दिती होवे ओनू मुठ भर के नपना बड़ा औखा ये जुमला ते मेरे मुंह चो नहीं निकलिया ते जड़ा मां ते मिट्टी पाउंदा ओनू पुछ के वेख ओए बड़े बड़े रिश्तेदार नप ली दई पर मां ते प्यो नू नपना बड़ा ही औखा है कि ते बुल फुटे होन ते वैसली लाउंदी है
ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਮਨਵਰ ਸੂਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਬਰੀ ਪਾ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਮਨਵਰ ਸੂਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਬਰੀ ਪਾ ਇੱਥੇ ਰੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣਾ ਅਜੇ ਮਨੋ ਨੀ ਲੱਥਾ ਚਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਖਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਾ ਨੀ ਲੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਕੱਢ ਆਏ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਮਨਵਰ ਸੂਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਮਨਵਰ ਸੂਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਬਰੀ ਪਾ ਇੱਥੇ ਰੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣਾ ਅਜੇ ਮਨੋ ਨੀ ਲੱਥਾ ਚਾ ਇੱਥੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਰੋ ਰੋਟਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰਾਉਣਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮ ਐ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਏ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਮ ਬਦਲ ਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਜਾਈ ਆਂਦੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਦਣ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਮਾਏ ਸਾਂਵੇੜਾ ਵੰਡਿਆ ਆਖਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਦ ਮਿੰਟੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੈ ਮਾਏ ਸਵੇੜਾ ਵੰਡਿਆ ਲੈ ਮਾਏ ਸਵੇੜਾ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੰਡਿਆ ਖੇਤ ਬੰਨਾ ਅਸਾ ਸਹਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਘਰ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈ ਖੇਤ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈ ਵੰਡ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਇਆ ਪਾਵਨ ਰਲ ਮਿਲ ਪਈਏ ਓਏ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਪਾਵਨ ਰਲ ਮਿਲ ਪਈਏ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਵਸਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਭਾਬੀਆਂ ਕਦੀ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੇਡ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗਰਮਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇੜਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਰੀਕ ਦਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੀ ਏ ਭਾਬੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੂਏ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਵੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹਜੇ ਉਮਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਨਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਅਜੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਏ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁੱਤਰੋ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਦਾਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰ ਫਿਰ ਬਾਪ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਸਜਾਏਗਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਵਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਜਾਇਆ ਦਾਦੇ ਲਈ ਆਵੇ ਹੰਡਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਸਲੀ ਜੰਮੇਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਸੋਹਣਾ ਗਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਗਮ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲੀ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਰ ਮਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਚਮਨ ਦਾ ਮਾਲੀ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬੜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਦਲੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਤੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਏ ਜੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬਾਂਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਣ ਛੱਡੀ ਜਰਾ ਚੁਪਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਚਾਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ 'ਚ ਭੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਏ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸਲੀ ਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਏ
अब्दुल मुतलब नू जबान दिती मेरे बाप ने कहा जी मुहम्मद दी बाना छड़ी ते मेरा यतीम चले ते मैं किवें छड़ा आज तक ने किसे मौके ते मैनू बाईपास नहीं कीता। पुत्रो चाचिया नू कदी बाईपास ना करे अज तुसी चंगी मजलस च बैठे हो अपनी कुर्सी छड़ के चाचे नू बठावी चंगी गड्डी च बैठा हो चाचा गली चुआ रहा वे ताया गड्डी तो उतर के क्या करता है जी बैठो एक गड्डी ते ते मैं आज बैठा है पहलो तेरिया पावां ते बैठा सा तू मैनू लोरी दित्ती सी ताया ते चाचिया दी तू कुशाना आम ते नहीं ना नेड़े वाले बैठे ने ना जरा सुने जे एक करोड़ इनाम देना कोई शेख उपरे चुट के दसे कि चाचे ने ताए ने भतीजे की खातर भुख कट्टी हो पौने तीन साल में एक महीने की गल ही लै लाँ तो नहीं लभनी तो पौने तीन साल बाई काट कटिया है पौने तीन साल सरकार अबू तालब ने बाई काट कटिया बल्कि एक दिन मक्के वाले कह ही दिता जा इनू रख ला या सानू रख ला कहिंदा जद तक जिसम च सा है इस चान नहीं छड़ सकता मक्का सारा जाता ते जाए। अगली गल बड़ी वड्डी सुनने वाली है ते जदों फिर दौलतमंद वाल आया ना पैगाम ते सैयदा खतीजा लो सुनेहा आ गया कि मैं तुहाडा निकाह करना चाहनी है ते फिर मेरे नबी ने कहा कि मैं पहले चाचे नूं पूछ लवां जे चाचे ने चाचा बन के विखाया तो मुस्तफा ने भी तो फिर बाईपास नहीं ना किया कहते ने चाचा सुनेहा आया तो मैं कह मैं ला वारस नहीं मैं अपने वारस नू पूछ लवां ते चाचे नू ठंड नहीं पै गई यतीम पालन दी लगे मेरे सोनिया चन्ना पुछ लेना ही काफी जिते मेरे राजे दा राजा राजी है उत्थे मैं ही राजी है मेरे रांझिया तेरे रांझे नहीं ते मैं राजी है जिवें तेरा रांझा राजी हुंदा तू उवें कर मैं नाल हां तेरे अल्लाह जानदा जे 8 साल दी उम्र है ते सरकार नू मीरा दादा छड़ गया चाचे ने पढ़ लिया अज किन्ने चाचे ते ताए ने भरा मर जाए ओ सवाल कर लगा है शेखुपुरे च नजीर नहीं मिलेगी जे मिल जावे ते भला होवे भरा मरे नू 20 साल होए होन ते भतीजी भी आई होवे 15 साल ते पंद्रह दुना ती ती दा बंदियां ने ओए खेखन करन वाले ओ मरगा ते भतीजियां ते भतीजियां दे सिर ते हाथ रख देंदे सी तुहाडे सिर ते आऊं तुसी गम ना करना फिर रोटी भी पका के कल दे जे 8 कु दिन मुड़ के भतीजे भतीजियां जवान हो जांदे ने चाचा रिश्ता लभन नहीं आउंदा चाचा कदी यतीम दा रिश्ता पुछण नहीं आउंदा यतीम भांजी दा रिश्ता पुछण नहीं आउंदा आज कितने बना जी बैठे जरा सोच के दस बल्कि उन्हूं आंदे ने चल लाहौर चलिए रिश्ता वेखण उन्हूं गड्डी च बिठा लैंदे ने भरा नूं वापस आउंदा वां दे सारे रा बोलिया नहीं हसिया नहीं है जी सड़ गया कोठी वेख चुल्हे पावे तेरी कोठी सड़ना जुत्ती रखे उन्हें तेरी कोठी च की रखिया है की उन्हें करना तेरे कुड़मां दी कोठी नूं ओयो ते रोया नसीबा नूं भरा दियां पांच घर बैठिया है ते भरा रिश्ता लाहौर लभण तुर पई ते चलिया जो कोई बाहरों रिश्ता वेखना तो सोचेगा ना भरा दियां च की नुक्स सी जिहड़े चाचा भरा दा रिश्ता बाहरों लभ के तुर के लिया कदी फिक्र कीता जे कदी ये गल्लां सोचियां जे हजरत उज़ैफा बिन यमान हदीस दे रावी ने सही है हदीस जिरा मुत्तफिक ना ले बुखारी मुस्लिम दी ला यदखुलुल जन्नत कातियुल कता तलक करने वाला जन्नत च दाखिल नहीं अल्लाह दा है जिदन तू अपने ना रिश्ता तोड़ देना है मैं अर्श ते तेरे ना रिश्ता तोड़ देना है कई वड्डे भरा सारी उम्र मर जांदे ने कमा कमा के मुड़ के छोटे आंदे ने तू कीता की उस वाले फिर पछोताया क्या करूं जब चिड़िया चुग गई खेत मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज कितने बच्चे ने
कितने बैठे हो जरा सोच के मैनू जरा दसो। कदी वड्डे भरा नूं बूहे ते जाके आख्या आ पांच जवान धीआं ने ते तू ही सानू पढ़ाया ते तू ही सानू लिखाया ते सब कुछ तेरे नाल ही साडा बणिया कोठी बंगले ते आ सानू झोली च खैर पा दे मेरे आकड़े मकान बने ने ना जे तू सानू पढ़ाउंदा ना ते साडे कित्थों आ बनने सी ते आ अपनी धी दी रिश्ते दी खैर पा दे किसी नूं वी ते पाउणी नहीं तू आना मेरा भरा मेरे बूहे ते आए चलिया ओहदी इज्जत तेरी इज्जत कदो आ तू आना ओह आवे ओहदा नक नीवा होवे जा अब शर्मा तू अपने वड्डे भरा की इज्जत उच्ची नहीं कर सकिया ते नीवी करनी पसंद की तेरा किरदार कैसा है अल्लाह आज इतना मजमा जरा जुमला बड़ा ईमान वाला जे समझ जाए कोई चाचा उठे कि मैं धीदा भतीजी नू देख आया ते रात दे एक बजे कह के आया मोबाइल मेरा परसनल नंबर ही ते जे कोई तेरा देवर बेईमान आ छोटे देवर बड़े बदतमीज होंदे ने ते जे कोई तेरा देवर ते तेरी सस ससा भी बड़िया जहन्नम जानियां ते फवे कुटना ने तगड़ी नौ नू अल्लाह जानदा कहिंदियां ने सुनिया जे तगड़ी नौ नू पलंग ते बिठा के खवांदियां ने तगड़ी नौ नू पलंग ते बिठा के खवांदियां है ते जिदे मगर पिछे कोई ना आवे जिदे चाचे बगैरत हो जन ताए बगैरत हो जन मामे बगैरत हो जन ओ ना भतीजियां ते पांजियां नू फवे कुटन ससां कुत्तियां दे पांडियां च पानी पियांदियां है सारे घर दा झाड़ू दवांदियां ने रिश्ता वेखण नाल नहीं लै के जांदियां ते नाल कहिंदियां जे कोई वेखण आवे ते हस के मिलना जे ऐसियां जालम ससां बड़े लित्र खानगियां कबर वेच भी हशर वेच भी ऐसियां जालम ससां इस माया के ती नाम परसु परसा परसराम जड़ियां तगड़ियां नौवां नूं सलाम करदियां क्योंकि उहदे मगर छित्तर वड्डा है ते मां मीटर दे मगर किन्ने होणे सच्ची गल एने बैठे जे मां मीटर दे मगर किन्ने आने कसमे एंजी हो रहा जे माड़िया नौह को सारे घर का कम करोंदी मदनी मुसबर माशरा कितने चाचे ताए ने जिन्होंने पंद्रह दुना तीह इदा दे के ते क्या वे धीए प्यो नहीं बन सकता पर प्यो वर्गे काम कर सकदा ही आ मेरा नंबर ही ते लिख ला रात दे एक बजे भी सस दुख देवे ते इंज ही फोन करी जिवें प्यो नू करनी है ते मम्मी इंज ही उठदा आवांगा जिवें प्यो उठदे हुंदे ने अद्धियां धियां ते चाचे तायां तो वजह तो घरां च मेहने खांदियां कि प्यो ते मर गया चलिया तू भी मर सकदा सी ये तेरी जमी ते भी दिन आ सकदे अद्धियां ते इसे वजह तो उजड़दियां ने आंदियां ने तेरा एडे साऊ हुंदे ते चाचे क्यों ना आंदे तू एडी साऊ हुंदी ताए क्यों ना आंदे सुनो सुनो ताडी कता तलक दी वजह तो किन्नियां लड़कियां मेने खा रहियां कसमे तलवार दे फट मियां सब मिल जांदे गोली दे फट मिल जांदे गोपेरा साहब तुसी परे दे बंदे जे ताडे कोल आंदियां ने बच्चियां परे लै के वीरो तीर दे फट मिल जांदे पर जबान दियां बोलियां दे फट शाहजी बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदे ने जो सस कहिंदी एडी साऊ हुंदी तेरे पिछले क्यों ना हुंदे ओदन फिर खुदकुशी करदियां ही ओदन कहिंदियां ने खुदकुशी करके अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अमरानिए ईदां ते शबरातियां आके सब ने बोलियां पाइयां तेरियां क्यों नी ईदाइयां वखानी तेरियां ईदाइयां किवें मैं अज ईद वखावां आ जानी मैरानिए अज रोंदियां तेरी जाइया घर आ जा अमरानिए सौरा कर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाली हो गई दोते पोते जमे माए मैं सुखा वाली हो गई इको दुख नी माए मैनू तू जो मेथों खो गई मेरा दुख सी सांझा तेरा अज वंडन वाला लब्बा नहीं किदे अगे
मैं दुखड़ा भोला पुछण वाला लब्बा नहीं मेरे दुख सी सांझे तेरे दसन वाला लब्बा नहीं इको दुख नी माए मेनू तू जो मेथों खो गिया आखरी गल्ला ते मेरा सलाम जरा जुमला बड़ा दर्द वाला है अलम जिद का यतीम पावा मेरे नबी करीम दुर्रे यतीम उम्र हो गई सुनिया जे त्या ना 22-23 साल या 24 साल उम्र हो गई या 25 साल ऐनी को होएगी ते मेरे नबी दी पुप्पी सैयदा आतका कहदियां ने मेरे नबी दी पुप्पी आतका कहंदी नी खतीजा मेरा भतीजा काम करना चाहुंदा है ते सुनिया तू काफले भेज दिए तेरे काफले जांदे ओए मेरे पुत्र फुफियां नू सलाम करे आजे कसमे अपने जमियां नू कट रोंदियां जे भरा दे मरण तो बाद भी पुत्रां नाल प्यार भतीजियां नाल करदियां ने मेरे भरा दियां निशानियां ने ओए कसमे लिख ला त्यां नाल ओए तू 5 गज फुफी नू देण ना जावे तेरे प्यो मरे ते 18 गज लेके आउंदियां ने तू 5 गज फुफी नू देण ना जावे तेरे मरे ते 18 गज ले आउंदियां ने नाल आंदियां वीरो तू ते माड़ी समझ के छड्या सी पर मैनू माड़ी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लेके आउण तू 5 गज ना देवे 18 गज लेके आउंदी है लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहन पेके ते एक भैन हुसैन दी करबला विच ते फुफी हुसैन दे बच्चियां दी अपने बच्चियां दी लाश सैड ते करके आंदी गोद विच वीर हुसैन दा पुत्तर आंदी ए वफादार भतीजा बोल ते सही चुम लवां जुल्फ जंजीर तेरी मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने ओए फुफियां अपने जमिया नू कट रोंदियां ई ते भरा दे जमिया नू बहुता रोंदियां ई ओए भतीजे फुफी आवे ते सलूट मारिया कर ए भरावां दे कोल हिस्से छड़ देंदियां ई पर परा नहीं छड़दियां चोरी छप्पे भी मिल जांदियां चोरी छप्पे बाहर मिल जांदियां बाजार ते दुकान ते मल्ले च मिल जांदियां घर ना भी वड़न ते बाहर मिल जांदियां ते मैं इक तुहानू गल दसा बड़ा जुमला कीमती जे सुनिया जे ध्यान नाल ये भैणां नू माण बड़े हुंदे जे माण दे के आई चीमा एक मेनू वीर को जा लैन दो जे तड़िया बेड़िया ना खिलावा ते मेरा नाम वटा दिया मान दिता कबीले नू आंदी जान ते दवा मेनू एक ते नबी दे यार दे बीबी साडा ते नबी पराई औरत दे मत्थे लगदा ही नहीं ते कहना की हो आंदी ए जिन्ना हथां ते कड़ियां लाइया जे इन्हां हथां ते ताडा मुर्शद खेडिया है जिन्ना हाथों से कड़ियां लाइया तकरीर भाई तवज्जो भाई प्लीज स्टेज वाले गल सुनो ये बच्चो ध्यान करो बड़ी कीमती गल सी पुत्रो गल ए नबी दे यार हैरान हो गए भी आ गल की कर दीती सी भी इत्थे कड़ियां लगियां ते आंदी इन्हां हाथों से तुहाडा मुर्शद खेडिया कहिंदे बीबी एक ना गल पुछो सानू ते दसे नहीं नबी पाने अज तक भी तुहाडी फुफी भी कोई हैगी ते कहिंदी मेरा वीर है ते नबी पाक को कहन आप नू पता सी कि मैं ते बगानिया दे सान नहीं रखे ते ओ ते आंदी है मैं लोरियां दित्तियां ते लैके ते आओ नजर आ मैं ते आत्मताई दी धी दा सर कजे है ते ले आओ हुण हत्थां च कड़ियां लगियां ने पैरां च बेड़ियां पईयां ते शेखूपुरे दा डिप्टी कमिश्नर होवे शेखूपुरे दा असिस्टेंट कमिश्नर होवे डीपीओ होवे ते खुली कचहरी च भैन नू हाथ कड़ियां लगियां होन ते 10 अफसर दा की हाल होएगा ते मेरा नबी कौन है वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला मिलके
सभी पढ़ोगे सुरूर और शाह जी ने पढ़िया ठंड पै गई। वो नबियों में रहमत लकब लाओ अपने पराए का गम खान लाओ। मैं बेनियाज दा कुरान पढ़ावा मां अरसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमी लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मालतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। बेनियाज़ दा कुरान कहंदा मैं अपने नबी नू रहमत बना के भेजी आए शान दे क्या कहने अलम नशरह लक सदरक उन्हां दी बवाजान अल्लाह दे कुरान ने के आलम नशरह लक सदरक बवाजान अल्लाह दी कसमे जेड़ा भी बंदा हजूर दे सीने दी तरीफ करे हाथ दी तरीफ करे अख दी करे बेटा तवज्जो अल्लाह ने कहा सोनिया मैं दुनिया च अपने नबी नुबारा फान अल्लाह का जिक्र बनाया है अल्लाह जंदा अन का विजरक अल्लाह जी अन का जहरक बनाया है अपने मुस्तफा नु आलम नशरह बनाया है वरा फान अल्लाह का जिक्र बनाया है। भाई सुनो हैदर तवज्जो भी बच्चे ते आन ना बड़ी गल सुन वाली अल्लाह ने कहा आलम नशरह अल्लाह का सदरक वजान अन का विजरक अल्लाह जी अन का जहरक वरा फान अल्लाह का जिक्र और नाल क्या अल्लाह ने वतुहा वल्लैल इजा सजा मा वद्दा का रब्बू का व मा कला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल उला। सोनिया तेनू मिटाण वालियां दी भुल मैं तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली नालों उच्ची ना करा तो मैनू बेनियाज किने कहना। अच्छा मैं कदी मैं गल करा ना मौलाना साहब ए शाह साहब बैठे ने नबी पाक कदी भी जो अल्लाह ने इख्तियार दिता ना सोने जे इत्थे रहना चाहना तो ठीक है जे ऐत ना उतरी होंगी वद्दुहा तो हो सकता नबी पाक कहें भी सोने मैं रहना है जो अल्लाह ने कहना सोने हर आन वाली घड़ी तेरी पिछली नालों अफजल है तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब नू जो कह दिता ना तो फिर नबी पाक ने कहा अल्लाह सोने कल भी मिलना तो अज भी मिलना है मैं तेनू मिलने वास्ते तैयार हाँ तो पिछलियाँ मेरिया सारिया गड़िया नालों जो अगलिया अफजल ने तो मैं फिर अगलिया पसंद करना है। तो मुस्तफा ने ठंड पाती तेरा गल सुनने वाली बड़ी वड्डी है नहीं तकरीर का नचोड़े पल्ले पढ़ लो जिन्हें तुम बैठे जिते मिले गल सुनी भैन ने मान दिता सी कह दिता जरा सुने हाँ दी मैं मैनू जानते दवो ते आंदी है सुन वे वीरा बदर मनीरा आलम दे आ सरदारा निके आउंदिया वेखिया सी तेनू अज वेखिया ही तू जीवा राम मैं छी मां मेरी मां हली मां ते असियां तेरियां दाइयां मैं सा तेनू लाड लडाए अम्मा दुध पलावे छम छम रोवे नबी प्यारा जदो गल्लां याद करावे आंदी तू बन गया अज पीर पीरां दा ते पाया शान चेरा पकड़ लियांदा सहाब तेरे आने अज कुनब कबीला मेरा ऐस गल ने रवाया नबी पाक दे यारा नू आंदी वीरा पैन तेरी अज कैदन होई ते आई है वेच दरबारे
मैं परदेसन दूर दराडन अज अल्लाह कई सोरे असमैश बन जांदे ने तियां ली ते जवाइयां ते पुत्रां ली अल्लाह जानदा है ओनू मिलन ते एक ती नूं आंदे ने साडे तो गई ते जे ओ दूजी भैन नूं मिले ते आंदे ने साडे तो गई। ओए जरा गल बड़ी वड्डी सुनन वाली मुस्तफा सामने खड़े ने मेरे नबी ने इंज काली कमली उतारी ते फरमाया भैन इत्थे आ ना ना मैले पैल वेखे ते ना मजहब दूजा वेखिया। इंज करके शेख साहब चादर बिछा दिती ना अंजम साहब शाह जी ताडे नाने ने इंज करके चादर रखी ते ना पैर वेखे ते ना मजहब वेखिया। सुनिया जे सकियां भैणां नूं दालतां च खड़ा कर देंदे हो सकियां भैणां नूं कटहरियां च। मैं जज साहिबान नूं खिताब करन गया ते मैनूं जज तां दसदे उकला दसदे सन कि मदनी साहब इत्थे इक कटहरे च भरा खड़ा ते इक पासे भैण खड़ी ते गालो गाल ही हुंदे। असां ते सीरत मुस्तफा दी पढ़ी नहीं ना असां ते मुस्तफा दी सीरत पढ़ी हुंदी ते इंज करदे ही ना। बड़ी कीमती गल है मुस्तफा कहंदे ने अच्छा भाई अफसर होवे वड्डा ते सारे तो वड्डा अफसर बैठा होवे ते आप पुछे कह दियो की चाहते हो ते खुशी का समा की होएगा। हुण गोपेरा साहब जो बैठे हो बैठक च ते दो परे बैठी होवे ते दोवें परियां तो बोलन तो पहलों ये कहन भी हाँ भाई चाहते की जे वो गल करो ते लड्डू फुट पैंदे ने कि नहीं कि साडी खाश ही पुछ ली। शेख साहब लड्डू फुट जाते अंदरों खुशी दे अंदरों हाँ जी भी खुशी दे लड्डू फुट दे हैं हाँ जी। ये बड़ा वड्डा प्रिंसीपल साहब तो जानते हैं ना सिर्फ साड़ी बदकिस्मती है हाँ जी कि असी जनाब जी सुनो किसी नूं जनाब जी खुशी देंदे ही नहीं। हाँ सदके जावा हाँ बड़ा एक सच्ची गल है लड्डू फुटे किवें कमली वाले ने परमा पैल की चानी है उच्ची कवा सुभान अल्लाह खरा जुमला बड़ा ईमान वाला है कमली वाले महबूब ने परमा पैल जरा सारे कवा सुभान अल्लाह रात नवी जिन्ने बैठे सारे अंजम साहब जरा ठंड पवे क्यों भी पुत्रे पुत्र सारे फुरकान सारे बोलो जरा ठंड पवे जिन्ने जनाब जी उच्ची जे मैं इशारा करा ते शम्मा रसालत दे परवाने बोलन ते पता लगे बिलाल दी रूह अज भी तड़पदी है लोकां च कमली वाले दे प्यार दी कमली वाले ने परमा पैल की चानी है दे भगो पैन बोली वीरा ठंड पा दीती मैं मान दे के आई सा मैं मान दे के आई सा ठंड पा दीती की खांदी वीरा मैं आजादियां चाहनी है ते कमली वाले ने परमा पैन तेरे वीर दे बुए ते हातम ताई दी ती आवे ना नानक्यों ना दादक्यों ना मासियों ना पुपियों ना चाचियों ना बाबियों ना रिश्तेदारी ते सिर कजा के गई सवारी लेके गई तू ते मुहम्मद नू लोहरियां दितियां ने अच्छा वीरा याद है हाँ याद है मेरे नबी ने कहा भैन मैं नेकियां याद रखना किसी दे जुलम याद नहीं रखता। जरा जुमला सुनिया जे जो नबी पा नू मक्के वाले ने कहा ना कि आओ मुहम्मद दे बूए ते चले जा तेनू अबू जाल को पैसे ले दू तो उन्होंने कहा भी कहू भी मेरा अबू जाल दुश्मन है ते जो गए ना उन्हें जाके कहा भी मेरा अबू जाल चौधरी है तो पैसे मार के बैठा है ते नबी पा ने यह नहीं कहा वो मेरा दुश्मन है। आपने सारी जिंदगी किसी नूं अपना दुश्मन नहीं कहा आपने कहा ना मैं उहदा दुश्मन है ओ होवे ते उहदी मर्जी जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले वेच लवाला। नबी करीम ने कदी नहीं सी कहा कि ओ मेरा दुश्मन या मैं उहदा दुश्मन
बल्कि दुश्मनों वास्ते भी नरम गोशा मुस्तफा दा सी। मैं तुहाडे कोल भी वादा लैन लगा है। नबी करीम ने फरमाया भैन बैठ जा। कमली वाले फरमाया भैन तेनू भी आजाद किया, तेरा कबीला भी आजाद किया। जेड़े वेले आजाद हुन दुआ होने लगी, नहीं नहीं मियाँ साहब नहीं थके, हुन दुआ होने लगी। बेटा बैठ जा जरा, मियाँ साहब उंज नहीं मैं जान दे, बैठ जा। मियाँ सानू 1000 रुपया भावे ना दवे उंज बह जावे। बड़ी वड्डी गल सी सुनिया जे। कमली वाले महबूब ने फरमाया भैन कलमा पढ़ना ही वीर, कहिंदी वीर कलमा पढ़ा। तो कबीले वाले आंदे ने चीमा कल्या कलमा ना पढ़ी, सानू भी नाल लैके पढ़। है लगी वीर तुसा की वेख्या, कहने चीमा अजे वेखली कसर रह गई है, जड़ा 55 वरिया बाद दुध वाली भैन नहीं भुलिया, कयामत नू सानू किवें भुलेगा। असला नाल जेने की करिए, ते ओ नसला तक नहीं भुल दे, लेकी करिए ते ओ पुठिया चाला चली दे। कहंदे चीमा आज पता लगा है मुहम्मद नस्ली भी है ते असली भी है। ओ जी वे मदनी सल्लल्लाहु जो सारे कलमा पढ़िया ना सुने, जो कलमा पढ़िया ध्यान दी सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने उची पढ़ना है। सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने सानू दोज़ख साड़ नी सकदी। अस कलमा नबी दा जिदा कीदा अल्लाह दा कोई शरीक नहीं, ते मुस्तफा दा फर्श ते शरीक कोई नहीं, अर्श ते ओदी जात दा कोई शरीक नहीं, फर्श ते मुस्तफा दी बात दा कोई शरीक नहीं। हुण इंशाल्लाह इस शेर दा मुस्ताक बनेगा। सानू दोज़ख साड़ नी सकदी, अस कलमा नबी दा काम दा काम ताड़ी वाज फराज ते कुत्तिया तक जाए, पता लगे फिजावां च हजूर दे नौकर ने। उच्ची बोलो सारे, हाँ जी जरा ठंड पै जाए। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, अस कलमा नबी बन कमली वाले दा यार मियां, बन कमली वाले दा यार मियां, गल पा कलमे दा हार मियां। फेनू दम दम नाल पुकार मियां, फेनू दम दम नाल पुकार मियां, ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने। जेड़ा मैं अगला जुमला कहन लगा लाजमी पढ़ना है, साडा मुर्शद सोना अरबी है। प्रोफेसर साहब असी फरास दे अंग्रेजां दी अंग्रेजी भांडे च पाउने, तेरी अंग्रेजी पवे भांडे च। सुन साडा मुर्शद सोना अरबी है, लफ्ज़ अरबी कह रहे साडा मुर्शद सोना, जेड़ा ना बोले बेईमान है। साडा मुर्शद सोना अजे ठंड नहीं पई, जरा टेल ला के साडा मुर्शद सोना, जरा पता लगे पहरेदार जिंदा ने चौकीदार असी हजूर दे। साडा मुर्शद सोना जेड़ा अंग्रेजा तो डरिया चुप रवे, बाकी पढ़न क्योंकि घूमता डर गई ने, डब के मर जन घूमता स्पीर नहीं कर सकिया। साडा मुर्शद सोना ओदे जिया ना कोई दर्दी है, सारी दुनिया मुर्शद फड़दी है, असा मुर्शद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदी। जेड़ा मैं अगला शेर पढ़न लगा, कदी भी जिन्हें सवाल ना नहीं कही ओदी रूह भी बोल पैनी, मेरे को लिखा लो मैनू अल्लाह ते यकीन है। अज जुमला सुनो, अल्लाह दे बारे लफ्ज़े उम्मीद ना बोलिया करो, उम्मीद च शक हुंदा है, लफ्ज़े यकीन बोलिया कर के मैनू अल्लाह ते यकीन है। आ
आखिरी शेर है, मैं तुहानू चैलेंज ना पढ़ाउन लगा है, जिन्हें कदी सुभान अल्लाह नहीं ना कही, जिन्हें कदी भी नहीं कही, वो भी कहेगा मैनू यकीन ही अल्लाह ते ना है, जदों मेरे मुँह चो ना निकलना है ना, ते बस फिर ताडे अंदर जनाबे आला खुशी की लहर ते रूह बोलनी है, तुहानू उस ना ना प्यार ही बड़ा है। जरा लफ्ज़ सुनिया जे ताए दा की ना, ताए दा ताया शरीफ, ताया शरीफ लव यू, अल्लाह उम्र में बरकत पाए, मेरे ताए दी अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, लव यू क्या ताया मेरा, ताया चन्न, ताया बंदा उनू कहना जेड़ा अपने बाप तो वड्डा, ताया क्या करो मेरे बच्चों वड्डियां, चाचे नू तुसीं चाचा मशहूर किया है, चाचा ही सारा चंद, चलो अज मैं भी ताए नू चाचे कहना है, चाचा मनचेरा गोपेरा। अच्छा सुनो भी ध्यान ना, जेड़ा मैं शेर पढ़न लगा तुसी आखो गई मदनी नू किन्ना तमाद है, किने एडा वड्डा चैलेंज करता भी तुहानू चैलेंज है ना जी, मैनू भाई जोहेब ते हमजा ते फुरकान ते जिन्हें तुहाडे वड्डे बेटे दा की नाम सी, इब्तिसाम अल्लाह जिन्हें उम्र च बरकत पाए, ये भाई अब्दस्तार दा पोतरा बड़ा सियाणा है, मैं पैसे फड़ाए उस वेले फड़ ले अल्लाह जानदा एला भी शेर मैं पढ़ लगा ते ठंड पै जानी है, आंढ गुआंढ वेख्या जे, अल्लाह जानदा मैनू अपने पराए भुल गए ने, मैनू अपने पराए भुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने, बुए जन्नतां वाले खुल गए ने, बुए जन्नतां वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया, मैं तुहानू कहना तुहाडी रूह च सुभान अल्लाह निकलनी है, क्यों हजूर दे नाम नाल ही दरवाजा खुलना है, मेरे नबी ने कहना आना मुहम्मद, मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद, आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा, मैं सारा कंग रोड, खालद रोड, शेहूपुरा, जंडियाला रोड नाल ले आया। बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। पांच परवीन बत्ती।